कोलकाता जाने के लिए मिलेगी 3 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन। और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे तीनों नई ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेनों में अक्सर पैसेंजरों की भीड़ हो जाती है, जिसे देखते हुए रेलवे हर साल कुछ नई स्पेशल ट्रेन चलाती है और इस बार भी कुछ नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। रेलवे ने कोलकाता से हरिद्वार अजमेर के बीच 3 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का संचालन का निर्णय लिया है। यह 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर गुजरेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के कई यात्रियों को भी सुविधा मिलेगा। संचालन ट्रेन के अवधि में एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं ट्रेन के टाइमिंग के बारे में और इसके परिचालन तिथि के बारे में। दरअसल हरिद्वार से कोलकाता के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर को कोलकाता से 11:25 पर चलेगी और यह ट्रेन अगले दिन शाम 6 हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन हरिद्वार से 2 अक्टूबर की रात 8 हरिद्वार से खुलेगी और तीसरे दिन भी यह ट्रेन 3:10 पर कोलकाता पहुंचेगी। आइए बात करते हैं ट्रेन के स्टॉपेज के बारे में। यह ट्रेन नैहाटी बंडोल वर्धमान दुर्गापुर आसनसोल पटना आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाराणसी लखनऊ बरेली मुरादाबाद और लक्सर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इसी तरह से कोलकाता हरिद्वार पूजा स्पेशल ट्रेन 8 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से दिन में 11:25 पर चलाई जाएगी और शाम में 6 हरिद्वार पहुँचेगी। इसी तरह से दूसरी दिशा में हरिद्वार से प्रत्येक रविवार को यह ट्रेन 8:30 खुलकर मंगलवार की सुबह में 3:35 पर पहुंचेगी अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन। आइए बात करते हैं ट्रेन के सुविधा के बारे में। यात्रा के दौरान अब आपको इस ट्रेन में एसी थर्ड टायर का कोच मिलेगा, जिसकी संख्या रहेगी 5 और स्लीपर श्रेणी के 10 कोच के साथ साथ SLR के 2 कोच उपलब्ध रहेंगे। कुल मिलाकर 17 कोच इस ट्रेन में देखने को मिलेगा, जिसका सुविधा अक्टूबर में आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में इस ट्रेन का बुकिंग भी चालू हो जाएगा। अगर सफ़र करना चाहते हैं तो IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। नई ट्रेनों के अन अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।